गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ इन योर डेली लाइफ वी सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस एट योर होम्स, स्कूल एंड एवरीवेयर, है ना। दीज चेंजेस आर फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग एंड बर्निंग ऑफ फूड्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कुकिंग ऑफ फूड, चेंज इन डे नाइट, change in weather. So these all kinds of changes belongs to a two type, physical and chemical changes. Okay, so in this chapter we will study about the types of changes. For example, you are seeing a different type of changes in your daily life. So which change belongs to physical change and which one is chemical change? Now in this chapter we will discuss about the physical and chemical changes. Now what are physical changes? For example, change in shape and size and color of any substance as well as states of any substance are called physical changes. A change in which only the physical property of any substance get change. यानी कि किस तरह का चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हो, और किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका शेप, उसकी साइज और उसका स्टेट, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो एक इस तरह का चेंज आना किसी भी सब्सटेंस में जिसमें सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, यानी उसका शेप, साइज, कलर या स्टेट ही चेंज हो, और वो इंटरनल प्रॉपर्टी उसकी एज इट इज़ रहे, यानी कि कोई नया सब्सटेंस ना बने उसके थ्रू, वो कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज से हम फिजिकल चेंजेस को समझेंगे। हमने एक पेपर ले लिया स्क्वायर शेप का, उसको छोटे छोटे चार पीसेस में कट कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट स्क्वायर पीस को हमने फर्दर 4 स्क्वायर पीसेस में डिवाइड किया और अरेंज दिस पीसेज ऑन अ टेबल ऑन दैट द पीसेज। अब देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक प्लेन पेपर शीट लिए और उस पेपर को हमने फर्स्टली 4 स्क्वायर पार्ट में डिवाइड किया, देन उनमें से एक स्क्वायर पार्ट को लिया और अगेन उसे डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंज आया। क्या वो पेपर का पीस ओरिजिनल शेप में आ सकता है अगेन? ठीक है, तो हमने उसको इस तरीके से अरेंज करा कि वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि वो इनिशियली वो इतना ही बड़ा पीस था, अब अगेन उसके पीसेस को अरेंज करने के बाद भी वो इस शेप में आ चुका है। ठीक है, सो क्या आप ये कट पीस को ज्वाइन कर सकते हो, और क्या फिर से आप ये ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पेपर पीस ला सकते हो? लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि इसका शेप चेंज हो चुका है, क्योंकि आप इसे फिर से जोड़कर एक बड़ा पेपर नहीं बना सकते, बट क्या ये छोटे छोटे पीसेस है, ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बन गए? नहीं, ये पेपर ही है और ये भी पेपर ही है, यानी पहले जो बड़ा पीस था वो भी पेपर था, और ये जो छोटे पीसेस थे इसे कट करने से ये नया प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो गया, या इसकी पॉलीथीन बन गई, या इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ इसकी इसका शेप चेंज हुआ है। तो इस तरह के चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस। नाउ देयर इज सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस, जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अब आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो उससे क्या होगा, उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे ही आप अगेन उसे छोड़ दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे, ग्राइंड कर दोगे, तो ऐसा करने से उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो जो सब्सटेंस है वो तो वही रहेगा। देन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। जैसे कि अभी आयरन रिम वाला एक टॉपिक आपने देखा था क्लास 6 में, कि किसी ब्लॉक कार्ड पर आयरन रिम को हम कैसे चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा आयरन को मेल्ट करके उसका शेप चेंज कर लेते हैं। किसी भी मेटल को हम मेल्ट कर करके उसका शेप चेंज कर लेते हैं, और कूल करने पर वो अगेन सॉलिड स्टेट में आ जाती है। तो हीटिंग और कूलिंग के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाती है, बट उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे आयरन को मेल्ट करके आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, ठीक है, वेपन्स बना सकते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टी में तो वो आयरन ही रहेगा ना, फिर चाहे उसका शेप और साइज कैसा भी हो। तो इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज ना होते हुए सिर्फ शेप, साइज, कलर में चेंज आना ही फिजिकल चेंज कहलाता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट होता है तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और अगेन कूलिंग होने पर
मेल्ट सॉलिड स्टेट में आ जाता है. तो वैक्स सिर्फ सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड में आता है, बट वैक्स से वो नया प्रोडक्ट नहीं बनता. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड भी एक टाइप का क्या है, वेपर इकट्ठा हो जाना, वेपर का कलेक्ट होना और अगेन उसे वो जो वेपर की छोटी छोटी ड्रॉप्स है वो कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है जो वाटर के फॉर्म में नीचे आ जाती है. अगेन वही वाटर जब समर सीजन में वेपराइज होता है तो क्लाउड बनाता है. तो ये भी क्या है, एक टाइप का फिजिकल चेंज है. मैग्नेटाइजेशन ऑफ पीसेस ऑफ आयरन, आयरन का मैग्नेटाइज करना. तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे टुकड़े लेकर अगर हम मैग्नेट उसके आसपास घुमाते हैं तो वो उस पर चिपक जाते हैं. तो ऐसा करने से जब आयरन है उसको हम रब करते आपस में तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है. लेकिन वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. वो आयरन है तो आयरन का ही रहेगा, वो बिहेव मैग्नेट की तरह करने लगेगा. नाउ किसी भी मेटल की जब हैमरिंग करते हो या उसे पीटते हो तो थीन शीट में चेंज हो जाती है. तो ऐसा करने से भी उसका सिर्फ शेप ही चेंज हो रहा है. जैसे एल्यूमिनियम की मेटल फॉइल बनती है ना, जो आप फूड वगैरह को रैप करने के लिए यूज़ करते हो, तो वो फॉइल भी क्या है, एक तरह की एल्यूमिनियम मेटल को चेंज किया है थीन शीट के फॉर्म में. तो यहाँ पर सिर्फ उसका शेप चेंज किया है, उसकी साइज़ चेंज की है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी में तो वो एल्यूमिनियम ही रहेगा. नाउ किसी भी मेटल की स्ट्रेचिंग करेंगे और उसका वायर बनाओगे, तो जैसे कॉपर है, कॉपर का पहले लम्स था और उसका आपने वायर बना दिया, तो देन शेप चेंज हुआ है और साइज़ चेंज हुई है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है. वो पहले भी कॉपर था और वायर बनने के बाद भी वो कॉपर मेटल ही रहा है. तो इस तरह के चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस. ठीक है, अब फिजिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो आप देखोगे कि जब भी फिजिकल चेंजेस होता है तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी. फॉर एग्जांपल साइज चेंज होना, शेप चेंज होना, कलर चेंज होना और स्टेट चेंज होना, ये चारों किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं. चेंज के कारण कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नया सब्सटेंस बन जाएगा. नया सब्सटेंस यानी जैसे आप मिल्क से कर्ड बनाओगे तो वो फिजिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मिल्क पूरी तरह से किस में चेंज हो चुका है, कर्ड के फॉर्म में चेंज हो चुका है. ठीक है, तो क्या आप फिर से मिल्क ले पाओगे, नहीं ले पाओगे. तो ऐसे चेंजेस जिसमें आप फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं गेन कर सकते उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज, या इसका दूसरा नाम है रिवर्सिबल चेंज, सॉरी इरिवर्सिबल. जिसे हम गेन नहीं कर पाए वो इरिवर्सिबल चेंज है, और जिसे हम गेन कर लेते हैं ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल फॉर्म में, उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. तो जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज आया है उसके शेप, साइज, स्टेट, कलर में, उसे हम अगेन उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. तो फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्सिबल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट, साइज, शेप और कलर में वापस जा सकता है. नाउ नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस. अब देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जितनी एनर्जी अगर उसके शेप साइज चेंज करने में लगी है, तो उतनी ही अगर हम सेकेंड उसको रिवर्स प्रोसेस में लगाने में लगा कर देंगे, तो ओवरऑल उस कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगी. नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेंस द सेम ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे आयरन है तो आयरन के एटम उसका शेप साइज चेंज होने के बाद आयरन के एटम ही रहेंगे. ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, जिसको मैं इंटरनल प्रॉपर्टीज़ कहती हूँ, उसका हम केमिकल कंपोजिशन भी कह सकते हैं, वो चेंज नहीं होती. ठीक है, उसके सेकंड टाइप है केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस आपने देख लिए. केमिकल चेंज का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बना दे. मतलब वो सब्सटेंस जो पहले था वो ख़त्म होकर उसी की हेल्प से कोई दूसरा ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो पहले वाले से बिल्कुल अलग हो, जिससे मिलकर वो बनाए. ठीक है, तो वो पूरी तरह से ही डिफरेंट हो, उसका केमिकल कंपोजिशन और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अलग हो, तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. आया समझ में? रिपीट करती हूँ मैं, कुछ इस तरह से किसी सब्सटेंस में आने वाला वो चेंज जो उस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन और उसकी सारी प्रॉपर्टी ही चेंज करके रखते हैं. ठीक है, तो वो कहलाता है केमिकल चेंज. ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल है कि केमिकल चेंज का, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप मिल्क से कर्ड बनाते हो, तो जब आप मिल्क से कर्ड बनाते हो तो कर्ड के बाद कर्ड टोटली डिफरेंट होता है उस मिल्क से, बना उस मिल्क से ही है,
लेकिन उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी अलग होती है, उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है, और वो मिल्क की तरह यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, उसका सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक। उस मिल्क लिक्विड था, कर्ड सेमी सॉलिड यानी स्टेट चेंज हो गई है, कर्ड हल्का सा येलोइश कलर में आ जाता है, ठीक है, और मिल्क एकदम वाइट होता है, फिर मिल्क का इंटरनल कंपोजिशन अलग होता है और कर्ड का अलग होता है, टेस्ट में मिल्क थोड़ा सा स्वीट और ऐसा लगता है और यहाँ पर कर्ड सॉर लगता है, खट्टा लगता है, तो इस तरीके से कम्प्लीटली वो बना उसी से लेकिन चेंज हो चुका है, तो इस तरह का चेंज कहलाएगा केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेबल कुक करते हो तो जो कच्ची या रॉ वेजिटेबल आपने ली थी, क्या वो कुक करने के बाद आप वापस उसे रीगेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुक करने के बाद वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाती है और उसमें कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाना केमिकल चेंज कहलाता है। एक्टिविटी सेकेंड इंडिकेट करेगी, ठीक है। देखो आप यहाँ पर केमिकल चेंजेस को देख सकते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, जैसे ही आप उसके अंदर आयरन नेल डालते हो, ठीक है, तो आप कुछ टाइम के बाद देखते हो कि वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो क्या बन चुका है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट था इसने आयरन से रिएक्शन करनी, तो कॉपर कॉपर इस सल्फेट कंपाउंड में से अलग हो गया और ये आयरन ने रिएक्शन किसके साथ कर ली, सल्फेट के साथ, तो आयरन ने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, और ये जो कॉपर अलग किया था वो इस नेल के ऊपर सरफेस पर आपको जमा हुआ मिलेगा। तो कुछ इस तरह के चेंजेस कहलाते हैं केमिकल चेंजेस, जिसमें देखो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था लेकिन वो किस लिए था, जब वो कॉपर सल्फेट था तब, लेकिन अब वो क्या रहा है, आयरन सल्फेट, तो फिर ब्लू की जगह वो कौन सा कलर का हो गया, ग्रीन कलर का, ठीक है। और ये जब आयरन नेल थी उसके ऊपर क्या इकट्ठा हो गया, क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर हो गया। तो इस तरह की रिएक्शंस शो करती है आपका केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे कई सारी रिएक्शंस होती है जो जिसमें केमिकल चेंजेस होता है, इसलिए हम उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हम सब्सटेंस को कंबाइन करके हमेशा नए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप एक्टिविटी में फर्दर है, आप रीड करिएगा इसे, ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही एक्टिविटी समझाइए। देखो कॉपर और आयरन है, कॉपर सल्फेट और आयरन था, दोनों ने मिक्स तो हुए लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनाया, आयरन ने आयरन सल्फेट, यानी एक नया प्रोडक्ट बन गया है, और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया यानी ये भी एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या रहा कि जो कंपोजिशन था, जो भी सब्सटेंस हमने लिए थे, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टी अलग होती है और वो आयरन में बदल गया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। आयरन एक अलग मेटल थी इंडिविजुअली, तो अब यहाँ पर कौन इंडिविजुअल बचा, कॉपर बचा। नाउ जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो इरिवर्सिबल है, मतलब आप फिर से आयरन सल्फेट और कॉपर को मिक्स करके कॉपर सल्फेट और आयरन फिर से नहीं बना सकते। जैसे आपने इन दोनों को मिक्स किया ना, इन दोनों से अगर आपने ये बनाया तो अगेन इन दोनों को कंबाइन करके आप ये दोनों नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि जो भी न्यू सब्सटेंस बनाए वो अगेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता, इसलिए से हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। नाउ चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, आपको दिख ही रहा होगा कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि कोई भी सब्सटेंस है केमिकल, उसका केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट हो जाती है जो उसका ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे, ठीक है। जिस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वन एंड मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वन एंड मोर देन वन सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी न्यू सब्सटेंस में, और वो न्यू सब्सटेंस कैसा होगा, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी उसकी, किससे और कंपोजिशन होगा किससे, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था जिससे वो बना है उससे वो अलग होगी। तो उस ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसलिए इस तरह से होने वाले चेंज को केमिकल चेंज भी कहते हैं, ठीक है। नाउ अब आप देखिए सम मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इन केमिकल चेंजेस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भी सब्सटेंस था वो बर्न होकर हीट प्रोड्यूस कर दी और उसने लाइट प्रोड्यूस कर ली। अब उसकी जो ऐश बचेगी क्या वो फिर से आपको मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो चुकी है, हीट प्रोड्यूस हो चुकी है, साउंड प्रोड्यूस हो चुका है, लाइट प्रोड्यूस हो चुकी है, अब वो सब्सटेंस पूरी तरह से बर्स्ट हो चुका है और ख़त्म हो गया, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, इसलिए ये केमिकल चेंजेस हैं। नाउ चेंज इन अ
color, cut fruits and vegetables on keeping in air in a chemical change. देखो आपने apple cut करके रखा, ठीक है, और कुछ time के बाद अगर आप उसे open रख देते हो air के contact में, तो धीरे धीरे उसका color ऐसा हो जाता है, change हो जाता है, brown shade में हो जाता है. किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो oxygen है atmosphere की, वो apple के अंदर जो malic acid present होता है उससे reaction कर लेती है, ठीक है, और उससे रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस बना लेती है जो इसके ऊपर जमना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे केमिकल चेंज आ गया इसमें, क्योंकि हमेशा जहाँ भी नया सब्सटेंस बन जाता है वहाँ पर हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है. अब क्या ये जो सब्सटेंस ऊपर बना है, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस एसिड ने बनाया है, क्या वो फिर से इस फॉर्म में आ सकता है ओरिजिनल? क्या फिर से वो एसिड और ऑक्सीजन अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो इस तरह के चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंजेस. ऐसा आपने ब्रिंजल यानी बैंगन के साथ भी देखा होगा, जैसे आप उसे कट करके रखते हो थोड़े टाइम में वो डार्क होना शुरू कर देता है, क्योंकि जो इनके अंदर प्रेजेंट एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म बनाकर उसकी लेयर पर जम जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो केमिकल चेंज. यानी आपने जो खाना खाया तो आपको पता होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी की सेल तक जाते हैं, और सेल के अंदर ऑक्सीजन भी आती है जो लंग्स से ब्लड कैरी करके लाता है, ठीक है. तो जब ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एंजाइम की प्रेजेंट में, या फिर हम ये कह दें कि जब वो न्यूट्रिएंट्स हैं जब डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, तो कुछ एसिड और एंजाइम होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग करने में और उन्हें सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं. तो इस तरह के चेंजेस को भी हम कहेंगे केमिकल चेंजेस. और मैं जो आपको बता रही थी कि जो एनर्जी बनती है या न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सेल में जाते हैं और सेल के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सेल एनर्जी बनाती है, तो वो प्रोसेस भी केमिकल चेंजेस कहलाती है. जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि किसी बीज का जर्मिनेशन होना, उसमें से नया प्लांट ग्रो होना, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, स्पॉइलेज ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक अ वुड, कोल, कैरोसिन, एलपीजी एंड पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, वैक्स कैंडल, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती, ठीक है, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. ये सब एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के. इन सभी एग्जाम्पल में आप देखोगे हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनेगा और इनमें से कोई भी अपनी ओरिजिनल स्टेट वापस गेन नहीं कर सकता, इसलिए ये केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं. नाउ केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि केमिकल चेंजेस में वन एंड मोर न्यू सब्सटेंस बनते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन जाते हैं जो कि फिजिकल में नहीं होता. सेकेंड पॉइंट, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट. अब मैंने आपको बताया था कि इसे हम इरिवर्सिबल भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता, ठीक है, और फिजिकल मेथड में ऐसा नहीं होता. फिजिकल में कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है. नाउ जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो नेट चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई तो एनर्जी कंजप्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बन चुका है इसलिए एनर्जी का कुछ कंजप्शन होता है, ठीक है, यानी कि एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी जो रहती है या तो देना पड़ती है रिएक्शन होने के लिए या तो उससे हम गेन करते हैं. यानी रिएक्शन होती है तो हीट एनर्जी या लाइट, जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स है, उसमें क्या होता है, हीट रिलीज़ हो रही है ना, जब वो रिएक्शन हो रही है तो हीट रिलीज़ हो रही है, लाइट हो रही है, साउंड हो रहा है, ठीक है, तो या तो रिएक्शन को हमें हीट एनर्जी देना पड़ेगी और या तो फिर हमें रिएक्शन से वो एनर्जी मिलती है. यानी इस प्रोसेस में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, उसमें ग्रीन प्लांट जो होता है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर उसे एनर्जी हमें देना पड़ती है, ठीक है, तब जाके उसके अंदर फूड बनने की केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक. एंड नाउ ड्यूरिंग अ चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस चेंज. अब जब भी केमिकल चेंज होता है तो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ठीक है. नाउ डिफरेंस इज गिवन हियर, फर्स्ट फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एंड सेकेंड वन केमिकल चेंज, हियर वन एंड मोर देन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ये टेम्परेरी चेंज होता है क्योंकि सब्सटेंस ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है, और ये परमानेंट चेंज होता है क्योंकि ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकता, इसलिए हम इसे कहेंगे कि रिवर्सिबल होता है. सिंपल फिजिकल मेथड लगा दो तो ये रिवर्स हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती. अब केवल फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज होती है, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, और ये
देर आर इन नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का चेंज नहीं होता, कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होता, जबकि यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन होता है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट बनना है ना, इसलिए न्यू प्रोडक्ट बनने के लिए या तो एनर्जी देना पड़ेगी या उस रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी का कंजप्शन और गेन दोनों हो सकता है. ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू.